ब्रेक तो बाद मुड़ तो हाजिर हाँ। राहुल गांधी ने चौधरी संतोख सिंह दे देहांत ते अफसोस प्रगटाया। चौधरी संतोख सिंह दे अचानक देहांत तो बहुत दुखी हाँ। राहुल गांधी ने कहा वह जमीन नाल जुड़े मेहनती आगू सन, वह नेक इंसान अते कांग्रेस परिवार के मजबूत थम सन। इस दुख की घड़ी विच मैं चौधरी संतोख सिंह दे परिवार के नाल खड़ा हाँ। राहुल गांधी ने ट्वीट राही इतने दुख साझा किया। हालांकि इस समय घर भी पहुंचे हुए ने उन्होंने ते ट्वीट राही राहुल गांधी ने कहा कि वह नेक इंसान अते कांग्रेस परिवार के मजबूत थम सन। ऐसे दुख की घड़ी विच मैं चौधरी संतोख सिंह दे परिवार के नाल खड़ा हाँ। ये बेहद ही दुख वाला पल है। तो राहुल गांधी ने चौधरी संतोख सिंह दे देहांत ते अफसोस प्रगटाया। ट्वीट राही राहुल गांधी ने कहा चौधरी संतोख सिंह दे अचानक देहांत तो मैं बहुत दुखी हाँ। वो जमीन नाल जुड़े मेहनती आगू सन, तो यह घाटा कदे भी पूरा नहीं होगा। वो नेक इंसान अते कांग्रेस परिवार के मजबूत थम सन। तो इस दुख की घड़ी विच मैं चौधरी संतोख सिंह दे परिवार के नाल खड़ा हाँ। राहुल गांधी ने चौधरी संतोख सिंह दे देहांत ते दुख का प्रगटावा किया है। ट्वीट राही राहुल गांधी ने कहा श्री संतोख सिंह चौधरी जी दे अचानक देहांत तो बहुत दुखी हाँ। वह जमीन नाल जुड़े मेहनती आगू, एक नेक इंसान अते कांग्रेस परिवार के मजबूत थम सन, जिन्हें यूथ कांग्रेस तो सांसद तक अपना जीवन लोक सेवा नूं समर्पित किया। इस दुख की घड़ी विच उन्हां दे परिवार नूं अपनी संवेदना भेंट करदा। इस दुख की घड़ी विच मैं परिवार के नाल हाँ, ये कहना है राहुल गांधी का। दुख का प्रगटावा करते हुए राहुल गांधी इतने नज़र आए ने। इतने तीन तस्वीर तुसी वेख रहे हो। ये पहली तस्वीर जो तुसी वेख रहे हो जदों राहुल गांधी घर के अंदर जा रहे सन चौधरी संतोख सिंह दे दुख का प्रगटावा करन दे लई, परिवार नूं मिलन दे लई इत्थे पहुंचे हुए ने। सुरक्षा के करड़े इंतजाम इत्थे कीते गए ने। उत्थे एक तस्वीर विच तुसी वेख सकदे हो कि एंबूलेंस मैं आपको शाम तक भेज दूंगा। ये सब संतोख सिंह चौधरी जी के सम्मान में पत्रकार सम्मेलन कल नहीं होगा क्योंकि हम जलंधर में ही थे, और 24 घंटे के लिए जो निलंबित किया गया है वो भी उन्हीं के सम्मान में है। आज हमें जानकारी उनके अचानक देहांत का जानकारी हमें 9 बजे मिली। तत्काल हमने वहीं हमने भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित किया, नारे बंद किए, गाना बंद हुआ और हम 2 मिनट का मौन हम रखे, और उसके बाद हम करीब 6 किलोमीटर वहां से चल के आए। हम 8.5 किलोमीटर या 9 किलोमीटर चल चुके थे जब मुझे जानकारी मिली, तब राहुल जी को भी तभी जानकारी मिली जब वो टी पॉइंट पर पहुंचे थे। तो वहां से वो सीधा चौधरी साहब के घर गए और मैं और हमारे सेवा दल की टोली यहाँ आए। हमें ये सलाह दी गई थी कि शुरुआत 7 बजे होनी चाहिए और शाम को 5:45 तक हमें इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के कई ऐसे कारण हैं। तो सिक्योरिटी की नज़रिए से ये हमें सलाह दी गई थी और हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं होगा। आज भी हमने 7 बजे को शुरू किया था भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि हम हमेशा 6 बजे शुरू करते हैं, पहली बार हम 7 बजे शुरू कर रहे हैं और हमेशा हम 6:30-7:30 तक चलते हैं जहां नुक्कड़ सभा होती है, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 5:45 तक भी इसको ख़त्म करें। मैं नहीं समझता हूँ इस जो युवाएँ आते हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता आते हैं, जो युवा आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनके उत्साह पर इनका कोई इसका असर पड़ेगा, क्योंकि मोबिलाइजेशन संगठन कर रहा है और जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है भारी मात्रा में लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं पंजाब में। साल 2023 वैसे भी खराब है, शरद पवार का देहांत हो गया, संतोष सिंह का देहांत हो गया, तमाम चीज़ों के लिए 2000 साल को एज अ पॉलिटिकल
बार बार कहा है और मैं फिर से दोहराऊंगा कि चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, पर राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक जो सफलता हमने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा में, उसको आगे ले चलने के लिए कांग्रेस ने, कांग्रेस संगठन ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। इस हाथ से हाथ जोड़ा अभियान के माध्यम से कांग्रेस संगठन हर एक राज्य में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत, करीब 6 लाख गांव और करीब 10 लाख मतदान केंद्र को कवर करेगा। ये कभी नहीं हुआ है, इस भारी मात्रा में कभी अभियान नहीं किया गया है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचना, 6 लाख गांव तक पहुंचना और 10 लाख मतदान केंद्रों तक पहुंचना, भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा लेकर घर घर जाना और हर एक घर में राहुल जी की ओर से जो खत मैंने कल रिलीज किया है अलग भाषाओं में, वो दिया जाएगा हर एक घर में, और हर एक घर में मोदी सरकार की विफलताएं जो हैं उनके खिलाफ जो चार्जशीट हमने तैयार की है, जो उनके झूठे वादे हैं, जो उन्होंने कहा और जो नहीं किया, उसकी भी एक दस्तावेज हम हर घर तक पहुंचाएंगे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी को शुरू होगा और 2 महीने तक चलेगा। हाथ जोड़ो यात्रा नहीं है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान त्रिस्तरीय अभियान है। एक ब्लॉक के स्तर पर होगा जहां यात्राएं निकाली जाएंगी, क्योंकि यात्रा निकालना पड़ेगा हर एक घर को जाने के लिए, वो तो यात्रा के माध्यम से ही कर पाएंगे। जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर महिला यात्राएं होंगी, खास तौर से विशेष तौर से महिला सीधा चुनाव से संबंधित है। भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से सीधा संबंध नहीं रखता है, ये विचारधारा की मुकाबला भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं, पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 9 राज्य में चुनाव होने वाले हैं 2023 में, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, उसको मद्देनजर रखते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। अभी 12:30 बज रहे हैं, आज 14 तारीख है, 12:30-14 तारीख तक 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है। 23 पार्टियों, 23 पार्टियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिखा है, निमंत्रण दिया है कि श्रीनगर आइए 30 तारीख को। सो ये तुम सुनिया के ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा का कोई मकसद नहीं है चोणों के नाल, पर हाँ आने वाले समय में एक यात्रा होगी हाथ तो हाथ जोड़ो 26 जनवरी तो जिसकी शुरुआत होगी उसका मकसद राजनीतिक होगा। तो ये तस्वीर थोनों जलंधर दियाँ विखा रहे हैं, इतने तमाम कांग्रेसी आगू तो चौधरी संतोख सिंह चोण वाले इतने पहुँच रहे हैं। साढ़े सहयोगी पत्रस जुड़े ने साढ़े नाल लगातार। पत्रस, इस समय की कुछ तस्वीर चौधरी संतोख सिंह दे घर दे बाहर तो सामने आ रही है? देखो, राहुल गांधी होरां नूं चौधरी परिवार कोल पहुंचिया लगभग अद्धा घंटा हो चलिया,
29 मिनट हो चले ने राहुल गांधी होरां नूं घर दे अंदर परिवार दे नाल दुख साझा करदे आ और इस वक्त घर दे बाहर प्रताप सिंह बाजवा खड़े ने, तेजिंदर सिंह बिट्टू खड़े ने, साबका MP संतोष चौधरी खड़े ने और भाजपा के आगू सरबजीत सिंह मकड़ोरी भी उचेचे तौर पर पहुंचे ने परिवार दे नाल दुख साझा करने वास्ते। और इस वक्त अंदर घर के जिहड़े हैगे ने मनीष तिवाड़ी ने, राणा गुरजीत सिंह अंदर हैगे ने और राहुल गांधी परिवार के नाल इस वक्त दुख साझा कर रहे हैं। जिस तरीके जयराम रमेश होरां ने ट्वीट भी किया और जानकारी भी साझी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए कि कल दोपहर में खालसा कॉलेज जलंधर की ग्राउंड तो बाद दोपहर जरा एक बार फिर यात्रा का पड़ा शुरू किया जाऊगा, क्योंकि जो प्रोग्राम पहला तो निर्धारित है उस प्रोग्राम के मुताबिक दोपहर का पड़ा जरा खालसा कॉलेज जलंधर का सगा और उस कॉलेज की प्रेमिसिस उस कॉलेज के कंपलैक्स के दोपहर 12-1 बजे के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया सगा। तो हो सकता कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद ही फिर अगली जी यात्रा है उसका पड़ा जरा आरंभिया जाएगा, क्योंकि कल सवेरे जो 11-12 बजे के दरमियान जो समा दिता गया टेंटेटिव सवेर के वेले चौधरी संतोख सिंह होर पहला आखिरी रस्मां नवाइया जाएगी धारीवाल कादियां विखे उन्होंने पिंड के विखे और उस तो बाद ठीक बाद जो यात्रा का अगला पड़ा वो रवाना किया जाएगा। तो कि रूट की रहेगा कि अगला कुछ तब्दील किया गया वह जी स्थानक लीडरशिप हैगी है जिमें प्रगट सिंह है होर जी लोकल लीडरशिप हैगी उन्होंने गलबात करके अभी जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि रूट के कोई तब्दीली की गई या कुछ बदलाव किया गया प्रोग्राम के पहला तो जोड़ा मिथ्या प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के मुताबिक बाद दोपहर का पड़ा अगे आरंभिया जाएगा। तो उस बारे भी असं जल्द जानकारी साझी करेंगे, पर हाल की घड़ी राहुल गांधी हुई परिवार के अंदर दुख साझा कर रहे हैं। इस वक्त घर के बाहर प्रताप सिंह बाजवा, तेजिंदर सिंह बिट्टू, हरीश चौधरी खड़े ने और संतोष चौधरी और नाल दी नाल मकड़ सिंह सरबजीत सिंह मकड़ जे भाजपा के आगू है ने परिवार के नाल दुख साझा करके अंदर आए हैं। तो चौधरी संतोख सिंह होर हर कोई इस वक्त याद कर रहा है, खास तौर पर कुछ समय पहला राजा वड़िंग हुई प्रताप सिंह बाजवा कुछ वीडियो विखा रहे सन सवेर दिया, जिस वीडियो के नज़र आ रहा है कि चौधरी साहब किमें स्टेज पर संबोधन कर रहे सन, किमें उन्होंने वालों सब धर्मों के लोगों को एक मंच से इकट्ठा करके भारत जोड़न का सुनेहा दिता जा रहा है, एक सिंबोलिक तौर पर वक् वक् धर्मों के लोगों को इकट्ठे करके भारत जोड़न के नारे लगाए जा रहे सन। तमाम जिहड़ियां सवेर दी तस्वीरां ने साझियां कीतियां जा रही ने एक दूजे दे नाल, जिन्हां जिन्हां नाल भी चौधरी साहब सवेर दे वेले मिल रहे सारियां यादां नूं ताज़ा किया जा रहा है, पर सब कुछ गल्लां नूं याद किया जा रहा है और ये सब दे वलों इस गल नूं लैके डाढा सदमा प्रगटाया जा रहा है कि किवें एक व्यक्ति सवेर दे वेले चंगा भला हसदा उन्होंने नाल यात्रा दे विच शामिल सी और किवें एकदम वो एक मृतक देह दे विच तब्दील हो गया, इस गल ने सब नूं झंझोड़ के रख दिता है। तो प्रताप सिंह बाजवा एक बार दोबारा फिर अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, अंदर शायद उन्होंने राहुल गांधी होरां ने दोबारा बुलाया कल के प्रोग्राम को लेकर, तो की कुछ होर जानकारियां साझियां कीतियां जांदियां ने उस दे उत्ते हुण सब दीआं नज़रां बणी हुई ने, पर हाल की कड़ी चौधरी संतोख सिंह होरां दा ओह घर जिथे पिछले कुछ दिनों तो लगातार मीटिंगां दा सिलसिला जारी सी, अज दी इस यात्रा दे स्वागत नूं लैके इस यात्रा दे प्रोग्राम नूं लैके लगातार मीटिंगां चल रहीआं सन, अज ओह पूरी तरह दे नाल मातम दे विच तब्दील होया नज़र आ रहा जी। बिल्कुल पत्रा साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी घर दे विचों अफसोस करके निकले नज़र आ रहे हैं, चन्नी उचेचे तौर पर तुसीं वेख रहे हो कि चिट्टे रंग की दस्तार दे विच चरणजीत सिंह चन्नी साबका मुख्यमंत्री पंजाब वह भी चौधरी संतोख सिंह होरां दे परिवार दे नाल दुख साझा करके बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम वड्डी लीडरशिप जिवें असीं लगातार सवेर तो दस रहे हैं, चाहे वह प्रताप सिंह बाजवा होण, राजा वड़िंग होण, अलका लांबा उचेचे तौर पर पहुंचे ने, मनीष तिवाड़ी कुछ समा पहला पहुंचे ने, संतोष चौधरी साबका जिहड़े MP हैगे ने और हरीश चौधरी जिहड़े कि पंजाब मामले के इंचार्ज हैगे ने, तमाम जिहड़ी लीडरशिप हैगी इस वक्त चौधरी परिवार के नाल दुख साझा करने वास्ते पहुंची है, क्योंकि जिस तरीके का जिस तरीके एक घटना वापरी है इसने सब नूं झंझोड़ के रख दिता है, सब नूं हिला के रख दिता है जी। बिल्कुल पत्रस 1978 जिमें चौधरी संतोख सिंह दे सियासी करियर की शुरुआत होंगी है, कई उतरा चढ़ा उन्होंने जिंदगी विच वेखे, अक्सर कहिंदे हुए भी नज़र आते सन कि समा बदलता गया तो समाज की सोच भी तो सियासत का रोल भी, सफल उही है जो वक्त दे नाल चलता है, तो वक्त दे नाल ही चलते सन चौधरी संतोख सिंह, जिस तरह संसद में आवाज़ बुलंद करते सन, कांग्रेस के दिग्गज आगू रहे ने जो भगदे मसले ने पंजाब दे, उन्होंने भी संसद में बखूबी चुकते हुए नज़र आते सन। बिल्कुल, क्योंकि इस करके ही वो लगातार दूसरी बार जलंधर तो लोग सभा मैंबर चुने गए, क्योंकि जिवें असी वार वार सवेर तो इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि बेहद मिलापड़े सुभाव वाले और अपने मुद्दे के उत्ते हमेशा गल करने वाले और बिना किसी
विवादित बयानबाजी तो बिना किसी विवाद तो हुण तक का अपना सियासी करियर निभाउण वाले चौधरी संतोख सिंह होरी इस करके दोबारा दूसरी बार लोग सभा मैंबर लोगों ने उन्होंने चुने से और हुण जिस तरीके दे नाल अज सवेर दे वेले एक खबर आई है उस तो बाद लगातार उन्होंने घर जिहड़े है वख वख जिहड़े उन्होंने वोटर सपोर्टर है उन्होंने हल्के दे नाल जुड़े हुए लोग ने जिहड़ी वड्डी लीडरशिप है सवेर तो लगातार उन्होंने घर पहुँच रही है और परिवार के नाल दुख साझा कर रही है क्योंकि एक वड्डा दिन अज ना सिर्फ दुआबे की सियासत वास्ते बल्कि चौधरी परिवार वास्ते भी एक वड्डा अज अहम दिन सेगा क्योंकि दुआबे दे विच अज भारत जोड़ो यात्रा एंटर हुई और इसे परिवार के मोढ़े उत्ते वड्डी जिम्मेवारी सी क्योंकि चौधरी संतोख सिंह जी होरी जिथे खुद मैंबर पार्लीमेंट ने जलंधर की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो उन्होंने पुत्र विक्रम चौधरी इस वक्त फलौर हल्के तो जिहड़े विधानसभा के मैंबर है इस वक्त MLA है उन्होंने हल्के तो यह जी यात्रा दाखिल हुई सी और लगातार जलंधर के वख वख हिस्सों के जानी सी पर उस तो ठीक पहला यह जी मंदभागी खबर आई है उसने सारे प्रोग्राम को उथल पुथल करके रख दिता सब जड़िया तैयारियां सन एक तरीके धरिया धराइया रह गई और हुणी ने चौधरी संतोख सिंह होरां नूं उन्हां दे चोण वालियां तो हमेशा दे वास्ते खोलिया जी बिल्कुल पत्रस इत्थे तस्वीरां विच वी असीं वेख पा रहे तमाम कांग्रेस के दिग्गज आगूआं नूं जो उत्थे अज दुख का प्रगटावा करन दे लई पहुंचे हुए ने साबका CM चन्नी इन्हां तस्वीरां विच असीं वेख सकदे हां इस तों अलावा प्रताप सिंह बाजवा हाल ही विच अंदर गए ने जिवें तुसीं वी दस रहे सी कि शायद उन्होंने राहुल गांधी ने सद्या होवे जो भी बदलाव होने हैं हुण भारत जोड़ो यात्रा नू लैके क्योंकि दुआबा वो एरिया जो भारत जोड़ो यात्रा विच सब तो ज़्यादा फोकस किया गया सी 11 से 19 तक जो ये भारत जोड़ो यात्रा है उस दे विच सब तो ज़्यादा फोकस दुआबे नू किया गया ते अज जो होया उस तो बाद हुण कुछ बदलाव होण जा रहे ने इस यात्रा विच ते हुण प्रताप सिंह बाजवा विरोधी धिर दे आगू अंदर गए ने गलबात करन दे लई ते इत्थे सोग दा माहौल इन्हां तस्वीरां विच साफ नज़र आ रहा है पत्रस होर कौन कौन हुण तक पहुंचे इत्थे देखो तमाम जिहड़ी कांग्रेस की लीडरशिप हैगी है वह लगातार पहुँच रही है जिवें असी तस्वीरों के विखा रहे हैं चाहे वह दुआबे की लीडरशिप होवे चाहे वह मालवे की लीडरशिप हैगी है जिवें मदन लाल जलालपुर जिहड़े सवेर के वेले चौधरी संतोख सिंह होरां दे नाल वॉक कर रहे सन उन्हां दे नाल यात्रा दे विच पैदल चल रहे सन उन्होंने भी सारी जानकारी साझी की सी कि किवें चौधरी संतोख सिंह होरां दी अचानक एकदम सेहत बिगड़ी कुलवीर सिंह जीरा इत्थे उचेचे तौर पर पहुंचे ने और गुरजीत सिंह औजला जिहड़े अमृतसर तों MP हैगे ने उन्होंने भी सारी जानकारी साझी की क्योंकि जिस वक्त चौधरी संतोख सिंह होरां दी सेहत बिगड़ी ये सारे जिहड़े आगू है उस वक्त यात्रा के मौजूद सन तो सारे ने दस्सिया कि चौधरी जगजीत माफ करना चौधरी संतोख सिंह होरी एक जिहड़े आगू हैगे ने दूसरी स्टेट के उन्होंने नाल कुछ गल्लां बातें कर रहे सन और गल्लां करदिआं करदिआं अचानक उन्हां दी सेहत बिगड़ी और अचानक जदों उन्हां नूं हॉस्पिटल फिर तुरंत लिजाया गया तो पता लगा कि चौधरी संतोख सिंह होरी जिहड़े है वह शरीरक तौर पर इस दुनिया के नहीं रहे हैं जो डॉक्टर ने उन्होंने डेड डिकलेयर किया तो उस तो बाद लगातार सोग का माहौल उस तो बाद तो ही नज़र आ रहा पत्रस तुसी बने रहो साडे नाल ते तमाम तस्वीरां सांझी करदे रहो।